तक देख रहे हैं और अगित अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू फॉर ऑल सच नोटिफिकेशंस ऑफ

है द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जिट पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट एज वेल एज टॉक की जो डेरिवेशन है ये सब सबके सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जरूर से लिख लिख कर कीजिए अगर आप सिर्फ रीड करते जाएंगे तो डेरिवेशन कभी भी दिमाग में बैठ नहीं पाएंगी प्लीज मेक श्योर दैट कि आप अच्छे से उसको लिख कर देख रहे हैं डायग्राम्स ड्रॉ करके देख रहे हैं देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट देन गॉस इज लॉ विद इट्स एप्लीकेशन स्पेरिकल शेल वाला एप्लीकेशन लास्ट ईयर कट गया था सिलेबस में से बट इस बार

उसमें डिपेंडेंस कैसी रहती है लेंथ पर रेडियस पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर वो जरूरी है वो करके जाना है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो इनके आपको आने चाहिए लर्न होने चाहिए देन आ जाइए ऑल्टरनेटिंग मैंने सीरीज आर सर्किट लिखा है बेटा अगर आपने सीरीज एलसीआर सर्किट को समझ लिया तो आप बेसिक वाला सर्किट तो कर ही पाएंगे इंडिविजुअल आर इंडिविजुअल एल और इंडिविजुअल सी वाले कर पाएंगे बहुत ईजिली बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट में आप फेजर डायग्राम्स को अच्छे से करके जाना फेजर डायग्राम को बहुत बहुत ध्यान से ड्रॉ करके देखना वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बेटा पूरे चांसेस है कि सीरीज एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन आ सकता है देन आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए रेजोनेंस का कंडीशन पता होना चाहिए कि एक्सएल एक्सी -E के बराबर होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर होता है तब रेजोनेंस होता है ओमेगा यानी कि एंगुलर आ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है वो आता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वालिटी फैक्टर का जो ग्राफ बनता है जब आपके पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो आपके पास मैक्सिमम करंट फ्लो करता है वो ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रांसफॉमर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर का जो आपके पास बेटा ट्रांसफॉर्मर रेशियो का जो एक्सप्रेशन है पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर रहती है उसकी एप्लीकेशन उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस तो ये यहां से बेटा चांस है कि आपको ये uh, ज्यादा नंबर का देखने को मिल सकता है एज वी ऑल नो दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं सो so, बेटा हो सकता है कि इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है ठीक है फिर पावर इन ए कट गया था पावर फैक्टर सिलेबस में से पिछले साल कट रखा था इस बार सिलेबस में इंक्लूडेड है तो पावर इन ए को अच्छे से करके जाएंगे पावर फैक्टर

के ए यू आर अर्शप्रीत कौर के नाम के साथ आप कोई भी चैप्टर राइट करेंगे आपको उस चैप्टर का वन शॉट भी मिल जाएगा डिटेल वीडियोज भी मिल जाएंगी प्लीज मेक श्योर दैट आप उनको देखें क्योंकि मैंने फुल डिटेल में बेटा सब चैप्टर्स करा रखे हैं आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर के वन शॉट भी मिल जाएंगे ठीक है बाकी मैं आपके लिए फ्रेश वीडियोज भी बना दूंगी उसकी टेंशन मत लीजिएगा मैं बार बार आपको एक चीज बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियोज चाहिए मैम आपके लिए वो वीडियोज बनाएंगे बट आप तो आप है ना फिर यार नेक्स्ट आ जाइए बेटा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एम वेव ठीक है इसके ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ ई एम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेटा क्या का आ जाएगा आपको पास रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स गामा गामा रेज है ना एक्स रेज इनका एप्लीकेशन पूछ सकते हैं इनके यूजेस पूछ सकते हैं इनका सोर्स पूछ सकते हैं इनका फ्रिक्वेंसी रेंज पूछ सकते हैं इनका वेवलेंथ रेंज पूछ सकते हैं तो वो आपको अच्छे से करके जाना है नेक्स्ट आ जाइए बुक नंबर टू पर चलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा अब अगर मैं इसमें से बोलू तुम तुम कुछ काट जाना तुम कुछ छोड़ जाना तो यार मतलब ये बिल्कुल ही वो बात हो गई कि हजम ही नहीं हो रही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें सब टॉपिक्स ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वेटेज भी बहुत ज्यादा रखता है कि हाँ यार अब तो नंबर आएंगे पेपर में, Next, अगर बात करें ऑप्टिक्स में बेटा से करके जाना देन टी आई आर टी आई आर में से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशन मिराज हो गया डायमंड की हीरे की अंगूठी चमकती क्यों है वो एप्लीकेशन भी टी आई आर के ऊपर भी

बनती हैं आपके पास वो आपको करना पड़ेगा इसका जो फ्रिंज पैटर्न रहता है इंटेंसिटी का ग्राफ जो रहता है वाईडीएस में और डायफ्रेक्शन में इंटेंसिटी वाला ग्राफ इज इंपॉर्टेंट ईडीएसई में सारे मैक्सिमास का इंटेंसिटी बराबर रहता है बट डायफ्रिक्शन में सारे मैक्सिमास का इंटेंसिटी बराबर नहीं रहता है ये जस्टिफाई करना भी आ सकता है नेक्स्ट आ जाइए मॉडर्न फिजिक्स पे चलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैडम स्कोरिंग है या यार एकदम बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भूल के भी मत छोड़ कर जाना आप बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर कर जा रहे तो सबसे बड़ी बेवकूफी है ठीक है इसके ग्राफ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इफेक्ट ऑफ फ्रीकवेंसी बेटा वर्सेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ठीक है एक टाइम पर एक चीज को क्या करेंगे कांस्टेंट कर देंगे तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा ठीक है यहां पर आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा दैट इज रियली इंपॉर्टेंट ठीक है केस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार से पांच फॉर्मुला है बेटा फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन सो वो चारों के चारों या पांच बेटा जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं क्योंकि एक फॉर्मुला ही दूसरे फॉर्मुला में कन्वर्ट हो जाता है जब एनर्जी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ योर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अलग से दो फॉर्मुला जनरेट हो जाते इंपॉर्टेंट so, है उसको करके जाना उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आएगा ठीक है एटम्स एटम्स में अब अगर आप याद करें बोहर्स का जो मॉडल है बेटा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोहर्स के मॉडल में रेडियस विलोसिटी एनर्जी का जो डेरेवेशन है वो आ सकता है इनमें से कोई भी डेरेवेशन पूछ सकते हैं बोहर के पॉस्ट्यूलेट लिखने आ सकते हैं देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज रियली इंपॉर्टेंट डोंट स्किप इट है ना लाइमन बामर ब्रैकेट पर फंड इसको जरूर से बेटा करके जाना आपके पास जो फॉर्मूला रहता है वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर ठीक है जहां पे आर रेडबर्क कॉन्सेंट रहता है वो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है फिर चलते हैं लास्ट टू जो की तरफ दैट इज न्यूक्लियंस सेमीकंडक्टर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग एनर्जी का कर्व उसका सिग्निफिकेंस मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसका रहता है फ्यूजन कब होता है फ्यूजन कब होता है दैट इज इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिविटी कट चुका है सिलेबस में से सीबीएसई के बट अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो रेडियो एक्टिविटी इज रियली इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा गामा की जो आपके पास बेटा प्रॉपर्टीज होती हैं एंड आपके पास जो इक्वेशन आती हैं है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप रीड करके जाइएगा अच्छे से सेमी कंडक्टर ये तो बोल रहा है कि फ्री में सात नंबर ले जाओ ऐसा चैप्टर है बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम इन द केस ऑफ सॉलिड्स फिर फर्दर एन टाइप पी टाइप के जो बैंड डायग्राम रहते हैं फोबिडन एनर्जी गैप कहाँ रहता है देन डायोड एज अ रेक्टिफायर इज रियली एन इंपॉर्टेंट टॉपिक सो इसी के साथ बेटा हमने सारे चैप्टर्स के फोर्टीन के फोर्टीन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो आप इस वीडियो से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे और बेटा अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में 95 मिल सकते हैं। आप के नाम से सर्च कर सकते हैं साथ ही साथ बेटा हमारी टीम इसी चैनल पर रन कर रही है मिड टर्म एग्जाम के लिए एक स्पेशल सीरीज सो उसका भी लिंक आई बटन में पिन करवा दूंगी प्लीज मेक श्योर दैट कि आप उस सीरीज को जाकर देख रहे हैं आप रेगुलरली क्लास सेसिस में जुड़ रहे हैं मैं इस चैनल पर डेली आपको सिक्स पी एम लाइव मिलती हूँ एंड बने रहो मुस्कराते रहो बस हंसते खेलते बेटा फिजिक्स पढ़ जाएंगे और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर करते करते हम बोर्ड एग्जाम्स में नाइन्टी फाइव परसेंट अबव आपको स्कोर करवा कर देंगे बट उसके लिए आपको रेगुलरली सेशन में आना पड़ेगा हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा सी यू ऑल टिल देन बब ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर